प्रतिशत बढ़ रहा था तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होने जा रहा है, लेकिन जो जनता का फैसला आया वो विपरीत आया है। तो कितने आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी जी, और उस दिन 2018 से 10वें दिन पूरा होते 11वें दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, तो चुनाव का समय अब आया है तो परिणाम दिख रहा है। वोटिंग परसेंटेज जो ज्यादा था, इससे आपको क्या अंदाजा लगाया था? हम सब लोग एकजुटता के साथ में हमने वोटिंग किया और मैच में छक्के चौके मारे। और पार्टी जब अगला कदम आपको सौंपेगी कोई जिम्मेदारी तो आपके लिए कितना तैयार है? महाराज जी एक सवाल छोटा सा कि जिस तरह ज्योतिषकर्ता दावा कर रहे हैं इस तरह हिंदुत्ववादी नेता होगा, भगवादारी होगा, सीएम का पद दावेदार, तो क्या लग रहा है? जारा की जनता की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको सेवा का अवसर दिया है। पूरे जी जान से तिजारा की जनता की सेवा करेंगे, अंतरात्मा से करेंगे और जी भर के करेंगे। महाराज जी बुलडोजर का जो भाषण था वो कितना प्रभावी साबित हुआ? देखिए बुलडोजर का तो एक तरह से ये तो एक अपराधियों में भय है, बुलडोजर के माध्यम से अपराधियों में भय स्थापित करना है और वो रहेगा भी। और जो लोग अब तिजारा केंद्र अपराध की गतिविधियों से जुड़े हैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, निकल जाओ, समय से निकल जाओ। तिजारा में अब कोई स्थान नहीं, तिजारा में अमन सुख और एक समृद्धि का वातावरण रहेगा, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको न्याय मिलेगा, बहुत अच्छे से विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। जिस प्रकार आपने तिजारा से टिकट पाकर सबको आश्चर्यचकित किया था, क्या सीएम के रूप में भी ऐसा कुछ? ऐसा भैया कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल हमारा ध्यान, हमारा केंद्र हमारी तिजारा की भूमि है और बाबा मोहन राम की कृपा से और हमारे मेहंदी बालाजी महाराज की कृपा से और हमारे जैन मंदिर की कृपा से, संदा प्रभु की कृपा से, सबके आशीर्वाद से तिजारा की जनता का विकास और तिजारा की जनता का सम्मान। महाराज इमरान भी लड़ा खूब आपसे, जवान लड़का लड़ा खूब आपसे, क्या कहेंगे इमरान के बारे में? अरे क्या लड़ा है यार, कई लोग मिलके लड़े हैं उसके साथ साथ में, कोई चिंता नहीं है और कोई बात नहीं है। कोई जो लड़ा लड़ी हमारी तिजारा की जनता है, तिजारा की जनता लड़ी है और तिजारा की जनता विकास के लिए लड़ी है, तिजारा की जनता रक्षा सुरक्षा के लड़ी है और तिजारा के विकास का पहिया अब तिजारा की जनता आगे बढ़ाएगी। बहरोड से बलजीत या उसकी बात छोड़ो यार, कौन आदमी है वो, क्या है वो, आनंद राव से भी बदला लेंगे क्या, कई कुछ तैयार दिला रहे थे, बदला का सरकार भी बन रही है। बदला का ये नहीं है कि हम किसी के साथ में कुछ, उन्होंने जो गलत किया है उसका भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, इस विधायक को भी भुगतना पड़ेगा, ये मेरा आपके माध्यम से है, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है, वो पुलिस की वर्दी में गुंडा है और ऐसे गुंडों को कोई अधिकार नहीं है देश की जनता के पैसे से तनख्वाह पाकर देश के लोगों की सेवा करने का, क्योंकि वो सेवक नहीं है, वो जनता के हितैषी नहीं है, वो जनता के दुश्मन और जनता को लूटते हैं, ठगते हैं, ऐसे मवालियों का पुलिस में कोई काम नहीं है। बाबा डबल इंजन की सरकार आ गई है, लोग कह रहे हैं कि कनाडा में कहीं कहीं आपकी बड़ी बड़ी खेतियां हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपको याद नहीं आएगी? मैं भैया आपको निवेदन करता हूँ, मैं सब पत्रकारों को दे दूंगा जो भी होगा, पर एक बार उस महानुभाव को मेरे सामने लाकर वो जमीन का पता आता बता दे, काफी काली सब आपकी है, वो मेरा कुछ नहीं है, कब्जा लेके मैं तुमको दे दूंगा, और उसको भी ढूंढ रहा हूँ मैं, जिसने बोला था उसको भी ढूंढ रहा हूँ कि भैया मुझे कब्जा दिला। ऐसे झूठे पाखंडी लोग ये कांग्रेस के लोग हो चुके, इतनी इनकी गिर चुके हैं लोग, इस तरह की झूठे कामों में झूठी बातों में लोग चलकर ऐसा सोचते हैं कि लोगों को मूर्ख बना देंगे, ये जनता मूर्ख बनने वाली नहीं। बाबा कौन सा मिनरल वाटर पीते हो? आपकी स्ट्राइक रेट 100% चल रही है, स्ट्राइक रेट इस बार सांसद के चुनाव में और अब विधानसभा के चुनाव में। ये सब जनता का आशीर्वाद है और हमारी गुरु महाराज की कृपा है, बाबा की कृपा है, और हमारा भाव जनता की सेवा करने का और निरंतर रहेगा, क्योंकि आज जो भी कुछ है इस जीवन में कुछ भी नहीं थे और आज सब कुछ है, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन के सहयोग से। डबल इंजन की सरकार में अब ईआरसीपी के तहत लोगों को पानी मिलने की उम्मीद कितनी बन गई है? बिल्कुल मिलेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना पास कर चुके हैं, राजस्थान ने एनओसी नहीं दी थी, आज से 6 महीने पहले योजना पास हो चुकी है नदी से नदों जोड़ो के कार्यक्रम के अंतर्गत, और हमारे पूरे 13 जिलों को पानी मिलेगा, पीने का भी और खेती का भी, और पूरे इस इलाके की जमीनों को सजग चुनाव होगा। अभी लोकसभा चुनाव होगा तो क्या अब लोकसभा चुनाव पे भी दावेदारी करेंगे? अरे भैया अभी सारे पत्ते मत।